नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को DELED सेकेंड सेमेस्टर मैथ के मॉडल पेपर 7 को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई वीडियो में 2-4 से बताए हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 से कैसे हल होंगे ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन 1-4 से कैसे हल होंगे ये बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को 1-4 से कैसे हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना दहाई का अंक बराबर, माना दहाई का अंक बराबर। तो देखिए, दहाई का अंक मान लेंगे x, माना दहाई का अंक बराबर x है। और यहाँ पर कहा गया है कि एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। तो यहाँ पर दहाई का अंक x माना गया है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए, दहाई के अंक से एक अधिक है तो यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा x + 1। अब देखिए क्या कहा गया है आगे क्वेश्चन में, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए, अब हम निकाल लेंगे संख्या। तो देखिए, संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर। तो देखिए, संख्या जो होती है, संख्या जो है दहाई का अंक जो होता है वो अपने से 10 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए, संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 गुणे x कर लेंगे, क्योंकि x देखिए दहाई वाला अंक है। तो यहाँ पर 10 गुणे x कर लेंगे और प्लस इकाई का अंक है तो इकाई का अंक जोड़ लेंगे। देखिए, इस टाइप से करना है। जैसे मान लिए 25 लिखा है तो 25 को हम जो है कैसे लिखेंगे, इस तरीके से अगर तोड़ करके लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 गुणे 2 करेंगे और उसके बाद +5 करेंगे। तो यहाँ पर 10 दूना 20 और +5 तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी किए हैं। देखिए, जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा होता है, तो यहाँ दहाई का अंक x था तो x में 10 से गुणा कर दिए हैं और प्लस इकाई का अंक जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है वैसे ही यहाँ पर भी इकाई का अंक जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा और 10x में 1x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा और +1 है तो +1 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए, प्रश्नानुसार अब देखेंगे प्रश्न में क्या कहा गया है। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। तो देखिए, संख्या हमारी ये है और कहा गया है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से। तो देखिए, अंकों का जोड़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अंक हैं x और x + 1, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो संख्या देखिए, संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, तो इसका 5 गुना कर देंगे, 5 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए, संख्या जो है वो क्या है, 11x + 1 है और ये संख्या जो है वो क्या है, अंकों के जोड़ के 5 गुने से, तो 5 गुना कर दिए, 5 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए, 3 अधिक ये है तो हम क्या करेंगे, 3 अधिक इसको कर देंगे। जो संख्या है, कहा गया है कि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, ये संख्या है और इसके जो है 5 गुने से 3 अधिक है, तो 3 अधिक ये है तो हम इसको 3 अधिक कर देंगे, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। और चाहे इसमें से 3 घटा दें तब भी जो है ये दोनों बराबर हो जाएंगे संख्याएं। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका अंदर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 5 सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 11x और यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा 10x और प्लस यहाँ पर 5 का 1 से गुणा होगा तो 5 हो जाएगा बराबर 11x माइनस 2 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर 11x को इधर ही रखेंगे और इस 10x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 11x माइनस 10x हो जाएगा। और फिर मान लीजिए 5 को हम इधर ही रख रहे हैं और इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 में 2 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 11x में से 10x घटेगा तो देखिए 11x में से 10x घटेगा तो x बचेगा। और यहाँ पर 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 7 वैल्यू आ जाएगी। और देखिए हमको निकालना क्या है, देखिए वह संख्या बताइए, तो हमको संख्या निकालनी है। तो संख्या देखिए क्या थी हमारी, तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर तो देखिए संख्या थी 11x प्लस 1 तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 7 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 7 रखेंगे प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर गैर सतह 77 हो जाएगा और फिर प्लस का 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 78 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक चर से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए 2 चर से ये आसान है क्योंकि यहाँ पर 1 चर से इसको करेंगे तो आपको सिर्फ जो है 1 समीकरण को हल करना पड़ेगा। और जब 2 चर से करेंगे तो 2 चर से 2 समीकरणें बनती हैं और उनको या तो विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो वज्र गुणन विधि से, तीनों विधि में से किसी विधि से आपको हल करना पड़ेगा तभी जो है दोनों का मान निकलेगा, यानी कि जो 2 चर होंगे एक्स वाई उनका मान निकलेगा और तभी आप संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब 1 चर से करेंगे तो समीकरण 1 बनेगी और वही समीकरण हल कर लीजिए और 1 चर का मान निकाल लीजिए, फिर 1 चर से हमारी संख्या पता चल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a, फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर है 2a प्लस 4b माइनस 4b, फिर ब्रैकेट के अंदर है 3a माइनस 4b को सरल कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले हम अंदर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3a इंटू 2a और उसके बाद फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, फिर 3a इंटू 4b हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 4b है, देखिए यहाँ पर तो माइनस के 4b का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4b इंटू 3a हो जाएगा। और फिर देखिए बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4b इंटू क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा और 12 और a इंटू बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अब 4 का 3 से गुणा होगा तो 4 3 12 हो जाएगा और 12a इंटू बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा और 16b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12ab और माइनस का 12ab, यानी कि यहाँ पर प्लस का 12ab और यहाँ पर माइनस का 12ab, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 6a स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बचेगा 16b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा हो तो कॉमन ले लें और नहीं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो चाहें तो हम इतने पर ही आंसर लिख सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सकता है तो 2 3 6 हो जाएगा और फिर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतना भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैं कई बार 2 चर से लगवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को 1 चर से बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 1 चर से भी बता दीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर 1 चर से देख लीजिए आप लोग कि ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे, और 1 चर से लगाना जो है 2 चर की अपेक्षा आसान भी है। तो यहाँ पर 1 चर से समीकरण को कैसे हल करेंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 5 कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई का अंक ही पहले मानेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना इकाई का अंक बराबर x है तथा दहाई का अंक बराबर। देखिए दहाई का अंक क्या हो जाएगा, कहा गया है कि संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। तो इकाई का अंक हम x मान चुके हैं, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई के अंक से जो है 5 कम है। तो यहाँ पर इसको 5 कम कर देंगे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा दहाई का अंक। अब हम यहाँ पर संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अतः संख्या बराबर, तो देखिए संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 10 × x - 5 हो जाएगा, और फिर जो है इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब देखिए इस 10 का अंदर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10x - 10 का गुणा 5 से होगा, तो 10×5 = 50 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। अब देखिए ये x इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10×1 = 11x हो जाएगा, और माइनस का 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही संख्या हो जाएगी, यानी कि ये संख्या निकल करके आएगी। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या बराबर अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या बराबर। तो देखिए नई संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर जो है दहाई का अंक इकाई का अंक हो जाएगा, और जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक x था, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, और दहाई का अंक x - 5 था, तो यहाँ पर प्लस x - 5 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10x में 1x जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 11x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 कर देंगे। तो इस प्रकार से अंकों के स्थान बदलने पर ये संख्या नई बन करके आएगी। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, तो देखिए नई संख्या क्या है, 11x है -5, और फिर यहाँ पर कहा गया है कि तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से। तो देखिए पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या है 11x - 50, और इसका 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, यानी कि 7 अधिक ये हो जाएगी, इसके 2 गुने से 7 अधिक ये हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका 2 गुना कर देंगे, और ये 7 अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 7 इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि 7 अधिक ये है तो इसमें 7 प्लस कर देंगे, और या तो फिर इसमें हम क्या करें 7 माइनस कर दें, तो दोनों बराबर में लिखा जा सकता है दोनों को। तो यहाँ पर देखिए 11x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 50 का 2 से गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, और प्लस का 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इनको पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 22x मान लीजिए इधर ही रखे हैं और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 11x हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 22x को इधर ही रखे हैं, इसको इधर पक्षांतर किए हैं, फिर यहाँ पर 5 को मान लीजिए इधर ही रखे हैं और इन संख्याओं को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 100 हो जाएगा, और देखिए ये उधर जाएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा, और जो है 7 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 में से 11 को घटाएंगे तो 11x हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखिए 11x यहाँ पर हो जाएगा, और फिर इनको जोड़ लेंगे जो माइनस वाली संख्याएं हैं, और उसके बाद फिर प्लस वाली संख्या में से घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 7×5=12 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 ऑलरेडी है प्लस में तो यहाँ पर 100 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर माइनस का 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 11x लिखेंगे। अब 100 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब x को एक तरफ रखेंगे और इस 11 को भी इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 88/11 हो जाएगा। अब 11 से इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर 11×8=88 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको संख्या निकालनी थी तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः संख्या बराबर। तो देखिए संख्या क्या माने थे, संख्या देखिए निकल करके आई थी 11x - 50, तो यहाँ पर 11 गुणे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और माइनस 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 11×8=88 हो जाएगा, और 88 में से 50 को घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 38 बचेगा। तो इस प्रकार से 38 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन एक चर से आसानी से हल किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a + 1 = 5 सर्वसमिका है अथवा समीकरण स्पष्ट करो। a + 1 = 5 सर्वसमिका है अथवा समीकरण स्पष्ट करो। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि जब सर्वसमिका और समीकरण स्पष्ट करने के लिए आए तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसके दोनों पक्षों में एक मान रख देते हैं, यानी कि जो भी चर पद दिए हों उसमें चर की जगह पर एक मान रख देते हैं, और उसके बाद जो है क्या करते हैं कि एक के बाद फिर एक मान और रख देते हैं, चाहे 2 रख दें चाहे 3 रख दें, कोई भी मान रख दें। और जब दोनों कंडीशन में जो है दोनों पक्ष बराबर आए तो समझ लीजिए सर्वसमिका है, और दोनों पक्ष बराबर ना आए तो समझ लीजिए कि समीकरण है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर a + 1 = 5 है। अब यहाँ पर जो है a = 1 रखने पर लिख देंगे, a = 1 रखने पर, और उसके बाद फिर 1 रख करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर देखिए 2 = क्या हो जाएगा, 5, यानी कि LHS RHS बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे LHS ≠ RHS। अतः क्या लिख लेंगे, अतः यह संख्या जो है, अतः यह संख्या सर्वसमिका नहीं है, लिख लीजिए अतः यह संख्या सर्वसमिका नहीं है, सर्वसमिका नहीं है। तो इस प्रकार से सर्वसमीका और समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक मान रखे हैं और एक ही से देखिए एलएचएस और आरएचएस जो है बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम यहीं पर लिख देंगे कि यह सर्वसमीका नहीं है। और मान लीजिए एक मान रखने पर यहाँ पर एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाता तो हम एक दूसरा मान भी रख करके इसको चेक कर लेते। तो इस प्रकार से सर्वसमीका और समीकरण को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि सर्वसमीका है अथवा नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार दो चर से बताया गया है, लेकिन आज सभी क्वेश्चन हम एक चर से बताए हैं, तो इसको भी आप लोग एक चर से ही देख लीजिए कैसे इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले इकाई का अंक मान लेंगे। माना इकाई का अंक बराबर x है, तो दहाई का अंक देखिए क्या हो जाएगा, तो दहाई का अंक बराबर, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, तो यहाँ पर इकाई के अंक का दूना कर लेंगे दहाई का अंक, तो 2x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंकों के स्थान बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी वो लिख लेंगे, और उससे पहले जो है हमको लिखना पड़ेगा कि इससे क्या संख्या बनेगी, यानी कि इकाई और दहाई के अंक तो मान लिए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या बराबर, यानी कि इनसे संख्या कौन सी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 10 गुणे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस इकाई का अंक जुड़ जाता है, तो यहाँ पर इकाई का अंक जोड़ देंगे, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20x, और फिर यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, तो प्लस का x लिख लेंगे। आप देखिए 20 x में 1x जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंकों के बदलने पर प्राप्त नई संख्या निकाल लेंगे, तो अंकों के बदलने पर प्राप्त नई संख्या बराबर, तो देखिए जब अंकों के स्थान बदल देंगे तो कौन सी संख्या हमको मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर इकाई के अंक को दहाई का अंक बना लेंगे और दहाई के अंक को इकाई का अंक बना लेंगे। तो देखिए इकाई का अंक क्या है, x है, तो यहाँ पर देखिए x को क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे क्योंकि ये दहाई के स्थान पर पहुंच जाएगा, और फिर उसमें जो है दहाई का अंक यहाँ पर 2x है, इसको इकाई का अंक बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 2x जुड़ जाएगा, यानी कि इकाई का अंक में 10 से गुणा कर देंगे तो दहाई का अंक बन जाएगा, और उसके बाद दहाई के अंक को यहाँ पर इकाई का अंक बना करके जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 10 x 10 हो जाएगा, यानी कि 10 का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस का 2x है, तो यहाँ पर प्लस का 2x हो जाएगा, यानी कि 10 में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और इस प्रकार से ये अंकों के बदलने पर प्राप्त नई संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा गया है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए कहा गया है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो देखिए अंकों के स्थान बदलने पर यह संख्या प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12x। तो यहाँ पर देखिए यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो देखिए पहले कौन सी संख्या थी, पहले थी देखिए 21x, और पहले से 36 कम हो जाएगी, यानी कि पहले ये संख्या थी और ये संख्या जो है पहले से कम हो जाएगी। पुनः एक बार यहाँ पर पढ़ लीजिए, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, तो देखिए नई संख्या कौन सी है, नई संख्या यहाँ पर 12x है, तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, यानी कि पहले वाली संख्या से 36 ये कम है, तो हम क्या करें, या तो इसमें 36 प्लस करें और या तो इसमें 36 माइनस करें, तभी दोनों जो है बराबर में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, इधर 36 को प्लस कर लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये एक समीकरण बन गई है, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21x को मान लीजिए इधर ही रखे हैं और इसको इधर पक्षांतर कर लिए, तो माइनस का 12x हो जाएगा और बराबर में क्या है 36 है, तो यहाँ पर बराबर में 36 लिख लेंगे। और अब 21x में से 12x को घटा देंगे, तो देखिए कितना बचेगा, 9x बचेगा और बराबर 36 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए, तो देखिए यहाँ पर 9x है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस जो है 9 को भी उधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर ही रखेंगे और इस 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 36/9 हो जाएगा, यानी कि 9 यहाँ पर गुणा कर रहा था तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ चुकी है, लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको संख्या निकालनी थी, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः संख्या बराबर। तो देखिए संख्या हम क्या माने थे, संख्या देखिए आई थी 21x, तो यहाँ पर x की जगह पर 4 वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 × 4, तो यहाँ पर देखिए 4 × 1 = 4 हो जाएगा और 4 × 2 = 8, यानी कि 84 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन एक चर से आसानी से लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं 0,4, फिर जो है दूसरे बिंदु क्या है 0,-4, और देखिए तीसरा बिंदु है 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस तरीके से कोई त्रिभुज है, इसका नाम है A, B और C। तो यहाँ पर देखिए A के निर्देशांक हैं 0,4 और यहाँ पर देखिए B के निर्देशांक हैं 0,-4 और फिर जो है C के निर्देशांक हैं 6,0। तो देखिए इसका हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं 0,4 और फिर है देखिए 0,-4 और फिर है देखिए 6,0। तो ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, ये कह लीजिए 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इन सभी को हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये x1, y1 है और ये देखिए x2, y2 है और ये x3, y3 है। तो इस प्रकार से इनको मान लेंगे। अब जो है क्या करेंगे, अब यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए फार्मूला होता है इसका 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर देखिए x1, फिर यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस x2 और फिर यहाँ पर देखिए y2 यहाँ पर है, यहाँ पर y3 हो जाएगा, यहाँ y3 है तो y1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए x2 है, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे x3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर y1 पर समाप्त हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 से शुरू होगा तो y1 और माइनस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हो जाएगा और उसके बाद इसी फार्मूले में इन बिंदुओं को रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा और फिर x1 देखिए क्या है, x1 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर y2 देखिए क्या है, y2 है देखिए -4 और फिर y3 क्या है, तो यहाँ पर देखिए y3 यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद प्लस x2 क्या है, तो देखिए x2 है 0 तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर y3 देखिए क्या है, y3 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर y1 देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, फिर प्लस x3 कितना है तो देखिए x3 है, देखिए x3 है 6 तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। और उसके बाद फिर y1 कितना है तो देखिए y1 है 4 तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और फिर y2 देखिए क्या है तो y2 यहाँ पर देखिए -4 है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए गुणे में 0 है तो ये पूरा 0 में चला जाएगा। यहाँ पर भी देखिए गुणे में 0 है तो ये भी 0 में चला जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये 0 नहीं है तो यहाँ पर 4 में 4 जुड़ जाएगा तो 4 4 8 हो जाएगा। और 8 का 6 के साथ में गुणा करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 48। अब यहाँ पर देखिए 48 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 चौको 8 यानी कि 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है क्षेत्रफल था त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ पर 24 वर्ग इकाई ही इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं इसलिए यहाँ पर 24 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं, यानी कि अगर त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों तो इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित चित्र में ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर तो DE की माप क्या होगी तथा BC और DE में संबंध क्या है। देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि जो है एक ABC त्रिभुज है तो यहाँ पर देखिए ABC एक त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे। मान लीजिए ABC ये एक त्रिभुज है और उसके बाद देखिए AB के मध्य बिंदु D, यहाँ पर मध्य बिंदु मान लीजिए ये D है और AC के मध्य बिंदु E, मान लीजिए ये मध्य बिंदु E है, को मिलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इनको मिला देंगे इस तरीके से। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर यानी कि इसकी माप 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो DE की माप क्या होगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसकी माप हमको निकालना है। और फिर कहा गया है कि तथा BC और DE में संबंध क्या है। तो यहाँ पर हमको BC और DE में संबंध भी निकालना है। तो सबसे पहले हम DE की माप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए DE बराबर हो जाएगा, देखिए जो त्रिभुज होता है त्रिभुज की 2 मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो जो तीसरी भुजा होती है उसकी आधी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम DE बराबर 1/2, देखिए DE बराबर 1/2 BC कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा और BC की माप 6 दी हुई है तो यहाँ पर गुणे में 6 हो जाएगा। अब 2 से इसको सरल कर लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर DE भुजा हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर इन दोनों भुजाओं में संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे BC और DE में संबंध यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए इनमें संबंध क्या हो जाएगा। तो देखिए ये एक त्रिभुज जो है और एक ये त्रिभुज जो है, यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये पूरा त्रिभुज बन रहा है और एक जो है ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से देखिए इतना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2 भुजाओं में संबंध ज्ञात करना है। तो जो संगत भुजाएं होती हैं वो अनुपाती होती हैं। तो यहाँ पर इनको अनुपात के रूप में लिख लेंगे, यानी कि इनका संबंध क्या हो जाएगा, BC अपान DE। तो इस प्रकार से यही दोनों में संबंध हो जाएगा। BC और DE में संबंध क्या होगा, BC अपान DE। तो इस प्रकार से यही संबंध हो जाएगा। और देखिए इसमें दूसरा भी एक संबंध लिखा जा सकता है। तो देखिए दूसरा संबंध क्या हो जाएगा, तो दूसरा संबंध ये भी लिखा जा सकता है कि BC समांतर DE, क्योंकि देखिए जो है BC AB और AC के मध्य बिंदुओं को यहाँ पर मिलाया गया है, तो इसके समांतर ये भुजा होगी, तो इसलिए यहाँ पर BC जो है BC समांतर DE भी लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से अनुपात के रूप में भी लिखा जा सकता है और BC समांतर DE भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं जो है समांतर हैं, तो इसलिए ये संबंध भी इसमें लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। उस आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आयत की दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लेंगे। अब लंबाई देखिए क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे और चौड़ाई दी हुई 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो है अभी हमको क्या करना है, विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो देखिए आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर, तो यहाँ पर लिख लेंगे देखिए अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, तो यहाँ पर रूट के अंदर 12 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर भी कर लेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 बराबर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 169 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 6 केवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर नहीं बचा है, तो 5 4 9 हो जाएगा, और फिर 4 2 6 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 169 यहाँ पर हो जाएगा। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो देखिए 169 का वर्गमूल होता है 13, क्योंकि 13 गुणे 13 जो है 169 होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये आयत का विकर्ण भी निकल आएगा। अब हमको क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर साइड में इधर कर लेते हैं, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, तो देखिए परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए लंबाई दी हुई है कितनी, 12 दी हुई, तो 12 लिख लेंगे, और चौड़ाई दी हुई 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, तो 2 गुणे 17 यहाँ पर हो जाएगा, और 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में ABCD वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। यानी कि मान लीजिए इस तरीके से कोई वर्ग बना हुआ है, और यहाँ पर कहा गया है देखिए कि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो मान लीजिए 7 सेंटीमीटर का जो है 7 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, और इस वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है। इस तरीके से मान लीजिए एक वृत्त खींचा गया है, और इस वृत्त की हमको क्या करना है, वृत्त की परिधि की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को पता होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है यानी कि केंद्र बिंदु है, और यहाँ से देखिए इस तरीके से जो रेखा केंद्र से जाएगी वो क्या होगी, इस जो है वृत्त का व्यास होगा। और देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर केंद्र बिंदु से इधर ये दूरी देखी जाए तो इसकी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, इसी तरीके से ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, और ये त्रिज्याएं जो होंगी वो केंद्र बिंदु पर जो है काटेंगी। तो यहाँ पर देखिए जो ये दूरी है और ये दूरी है, ये यानी कि 7 सेंटीमीटर वाली दूरी को आधा करेगी, यानी कि ये जो है 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, वृत्त का, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो दूरी है ये कितनी है, 7 है, क्योंकि ये वृत्त का व्यास है और कह लीजिए कि इस वर्ग की एक भुजा भी है, क्योंकि देखिए इसी के समांतर यहाँ से यहाँ तक खींची गई है। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी, लेकिन ये है क्या, इस वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर हम व्यास के सहारे वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। तो यहाँ पर 7 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जो है वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर, यहाँ पर देखिए त्रिज्या को r से लिखा जाता है तो यहाँ पर r भी लिख सकते हैं। अब वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला लगा दीजिए, वृत्त की परिधि बराबर, तो देखिए परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर देखिए 2 × 22/7 हो जाएगा, और गुणे r कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 7 × 5 = 35, यानी कि 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। अब 22 दूना 44 हो जाएगा, और 44 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 22 सेंटीमीटर जो है इसकी परिधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च होगा यदि एक चौके की कीमत 0.50 रुपया है। कहा गया है कि एक आंगन की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च होगा यदि एक चौके की कीमत 0.50 रुपया हो। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आंगन का क्षेत्रफल बराबर, आंगन का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए आंगन की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा आंगन का क्षेत्रफल। तो लंबाई देखिए कितनी दी हुई है, 15, तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे, और गुणे देखिए चौड़ाई कितनी दी हुई है, 12 दी हुई, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो देखिए 12 × 5 = 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 का 0 हो जाएगा, फिर 12 × 1 = 12 और 12 × 6 = 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। और मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंगन का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 30 सेंटीमीटर का जो वर्गाकार पत्थर है इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे पत्थर के एक चौके का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए एक चौके का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर कहा गया है यानी कि वर्ग के आकार का है, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और भुजा देखिए एक क्या दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 2 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से 900 वर्ग सेंटीमीटर जो है एक चौके का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको मीटर में चेंज करना है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो आंगन का क्षेत्रफल है वो मीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसको हमको मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 900 बटे यहाँ पर 100 गुणे 100 कर लेंगे, क्योंकि देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग सेंटीमीटर को हमको वर्ग मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए 100 गुणे 100 बटे में हो जाएगा, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर का मतलब जो है सेंटीमीटर 2 बार दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से मीटर में चेंज करने के लिए भी 2 बार जो है 100 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बटे 100 हो जाएगा, और ये वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से पत्थर के एक चौके का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हमको क्या निकालना है, चौकों की संख्या निकालनी है। देखिए पूछा गया है कि कितने चौके, देखिए चौके नहीं निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन एक चौके की कीमत हमको दी गई है, तो इसलिए हमको चौकों की संख्या ज़रूर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चौकों की संख्या बराबर। तो देखिए चौकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आंगन का क्षेत्रफल लिखेंगे, आंगन का क्षेत्रफल, और उसके बटे में कर देंगे एक चौके का क्षेत्रफल, एक चौके का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए आंगन का क्षेत्रफल कितना आया है, तो देखिए आंगन का क्षेत्रफल आया है 180, और बटे देखिए एक चौके का क्षेत्रफल कितना आया है, तो देखिए एक चौके का क्षेत्रफल आया है यहाँ पर 9 बटे 100। तो यहाँ पर 9 बटे 100 लिख लेंगे, और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, अब इनका जो है गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 180 बटे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो ये 100 है ये ऊपर गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणे 100 हो जाएगा, और फिर इनका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18, और देखिए 3 0 है तो 3 0 लगा लेंगे, और यहाँ पर बटे में 9 कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 से इसको भाग करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और आगे 2 0 बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है चौकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर गुणा करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। यहाँ पर देखिए 180 का 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1800 नहीं 18000 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 0 ये और 1 0 ये, तो यहाँ पर 18000 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 9 से इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2000 पूरा आ जाएगा, यानी कि जो पत्थरों की संख्या होगी या कह लीजिए चौकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2000 होगी। और हमको निकालना क्या था कि एक चौके की कीमत अगर 50 रुपये हो तो जो ये चौके इतने निकले हैं इसकी कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर हम साइड में इधर कीमत निकाले दे रहे हैं, देखिए कीमत कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए चौकों की संख्या कितनी है, 2000 है। तो यहाँ पर 2000 से क्या करेंगे जो है 0.50 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक चौके को जो है एक चौके को बिछाने का खर्चा है 0.50 रुपया। तो यहाँ पर 0.50 से गुणा कर देंगे तो इतने चौके बिछाने का खर्चा निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 शून्य 0 हो जाएगा, फिर 5 शून्य 0, फिर 5 शून्य 0, और 5 दूना 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, मान लीजिए इस 0 को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 1000 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी कीमत यानी कि चौकों को बिछाने की कीमत कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों को पुनः एक बार बताने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका आंसर आप सभी को रटा ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक बार देख लीजिए। कि इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर होता है। और यहाँ पर देखिए 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर देखिए हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 होते हैं तो आधे हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे, 5,000 वर्ग मीटर हो जाएंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, देखिए यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको दूसरी भुजा निकालनी है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे कि क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। अब देखिए यहाँ पर जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर हेक्टेयर में क्षेत्रफल दिया हुआ था तो यहाँ पर हम इसको वर्ग मीटर में चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे 5,000 और भुजा देखिए एक दी हुई है 125, तो एक की जगह पर 125 लिख लेंगे और दूसरी को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इस 25 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए भुजा मान लीजिए इधर ही है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5,000 बटे 125 हो जाएगा। अब 125 से इसको भाग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 125 चौको देखिए क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और फिर एक जीरो बच रहा तो इसको भी लगा लेंगे। तो इस प्रकार से भुजा हमारी आ जाएगी 40 और मीटर में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर मीटर में लिख देंगे, यानी कि 40 मीटर ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।